गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिफ का। काउंटिफ फॉर्मूला किस प्रकार काम करता है, किस लिए काम आता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हैं, मैं डाटा लिया हुआ है एक यहां पे जो कि सेल्स से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर सेल्समैन के नाम है, उसका नेम है प्रोडक्ट का, उसकी यूनिट्स है और वो कितने की बिकी हैं, उनका अमाउंट है। तो अब मुझे इन सब का काउंटिफ चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बार, कौन सी डेट कितनी बार और कौन से सेल्समैन ने कितनी बार सेल की है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले इस तरीके से आपको एक डाटा बनाना होगा अपने फॉर्मूला के लिए। टाइप करेंगे काउंटिफ, उसके बाद रेंज आपकी किया है डेट की पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा। क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, ये क्राइटेरिया रहेगा कि 1/3/2016 हमें जानना है कितनी बार हमारे डाटा में आई है। उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और ये हमें बता देगा कि जो हमारी डेट है 1/3/2016 वो इस पूरी रेंज में 6 बार आई है। तो ये मैनुअली भी चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, then 6। अब इसी तरीके से सेल्समैन के लिए भी चेक कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा। काउंटिफ रेंज सेल्समैन पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा है कुमार, उसके बाद काउंट। तो कुमार जो है हमारा 4 बार इसमें आया है इस तरीके से। अब आती है बात प्रोडक्ट की, हम इसमें डाल लेते हैं अपना काउंटिफ का फॉर्मूला। रेंज हमारी है ये ही पूरी, उसके बाद कोमा, क्राइटेरिया सैमसंग है, ये हमारा 4 बार आया है इसी तरीके से। अच्छा, एक तरीके से और हमें फॉर्मूला पुट करना आपको बताता हूँ मैं, वो है इंसर्ट फंक्शन में जाकर। अब हम करेंगे फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे अपना फॉर्मूला आपको टाइप करना होता है। तो आपको फॉर्मूला आपको मालूम है काउंटिफ है, उसके बाद गो करेंगे और यहाँ पे आपका फंक्शन आएगा नीचे, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अब ये पूछ रहा है रेंज। तो ये रेंज हमें क्या लेनी है, सेल्स यूनिट हमें लेनी है। सेल्स यूनिट है हमारी ये वाली, ये रेंज हमने पूरी सेलेक्ट कर ली है इसमें। उसके बाद आता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा है J3, इसको ओके करेंगे और ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला इस तरीके से भी सेम रिजल्ट आता है। अगर आप शॉर्टकट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा या फिर ऐसे फॉर्मूलाज में जाके इंसर्ट फंक्शन करते हैं तो भी इस तरीके से रिजल्ट सेम ही आता है। आप यहाँ पर जाके भी अपना फॉर्मूला फीड कर सकते हैं जहाँ पर FX लिखा होता है, तो हर जगह से बात सेम ही है। तो आइए प्रोडक्ट अमाउंट के लिए भी लगा लेते हैं काउंटिफ का फॉर्मूला। ये लगा लिया मैंने, रेंज ये है इसकी अमाउंट्स सारी, उसके बाद कोमा, क्राइटेरिया मेरा है 4000 का, ब्रैकेट क्लोज और ये यहाँ पे है 2। आइए एक बार अभी थोड़ा क्राइटेरिया को चेंज करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। वैसे कि यहाँ पर 1/3/2016 मैंने यहाँ डेट ली हुई थी, अब मैं करके देखता हूँ 05/03/2016। तो ये देखा इसने ऑटोमेटिक अपने आप इसने इसका काउंटिफ बता दिया है कि इसका जो 5 तारीख है वो 4 बार आई हुई है। इसी तरीके से एक डेट और चेक कर लेते हैं कोई भी अपनी सेम डाटा में से, ये 3 बार आई है। याद रहे आपको डाटा आपको इसी रेंज में से ही फील्ड करना है, इसके बाहर से डाटा करेंगे तो वो उसको एरर बता देगा, उसको काउंट नहीं करेगा। सेल्समैन देख लेते हैं इसी प्रकार, डाल लेते हैं सविता, डाल लेते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं। सविता ने एक बार सेल किया तो उसकी एक बार यहाँ पे नाम आ गया। विशु देख लेते हैं, विशु 2 बार है। इसी तरीके सैमसंग है तो अब कंपनी चेंज करके देख लेते हैं। विप्रो यहाँ पे 2 आ गया, सेल्स यूनिट
देख लेते हैं चेंज करके, 20 डालते हैं हम, तो यहाँ पे 4 आ गया है। इसी तरीके से अमाउंट चेंज कर लेते हैं, 75,000 देख लेते हैं कितनी बार आया है, ये भी दो बार आया हुआ है, ये भी दो बार आया हुआ है। तो इस तरीके से आपका काउंटिफ का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से काम करता है। और आपके बहुत डाटा जब हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है तो उसमें इस तरीके से सॉर्टिंग करना, काउंट करना आसान रहता है। तो काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है काउंटिफ का, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस वाले एड्रेस पे। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।